भाई मेरा खून तो शेर से सवा शेर वैसे ही कर दिया तुमने। किसानों को कहा था कि आए 2023 तक दुगनी कर देंगे, दुगनी हुई क्या भाई किसी की? बताओ भाई, हाथ खड़े करके बता दो, ये प्रेस वाले हैं सारे आड़े, सबने मेरा तो बांटे, बताओ भाई दुगनी हुई? झंडा तो है भाई बुक्कल के अंदर से हाथ निकाल लो, मैंने भी निकाल रखे हैं। हाँ इसी बात को नहीं, मैं भी ठंड में तार दोरे आई हुई, कोई दुगनी नहीं हुई, दुखी करके रख दिया। कट्टा जो है डीएपी का 50 किलो का कट्टा कम करके पहले 45 करा, 45 से कर दिया 40, कर दिया ना 40, तो क्या कम करेंगे भाई? ये थारी जो उपज है, एमएसपी का दर्जा जो है, तीन काले कानून थोपे, फिर जब वापस लिए तब वापस लेने के बाद कहा था कि एमएसपी का दर्जा क्यों वैधिक दर्जा देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। विधानसभा के अंदर मैंने ये बात उठाई कि हम केंद्र को डबल इंजन सरकार है भाई, यहां भी बीजेपी की और वहां भी, कि भाई केंद्र को भेजो सिफारिश कि जो वायदा करा था किसानों को वो पूरा करो, लेकिन साफ मुकर गए, मेरा जो रेजोल्यूशन था किसानों के हक के लिए उसको फाड़ के बाहर फेंक दिया। तो इस तरह के लोग, कानून व्यवस्था खराब हो गई है, छोटा जो व्यापार है वो खत्म हो गया है और मजदूर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। पहचान पत्र परेशान, पहचान पत्र हो गया या नहीं है या नहीं बता दो यार, मरने भी मेरे तो खून तो कर दो। परेशान हो रहे हो ना, ये किसान पहचान पत्र, ये परेशान पत्र है भाई। तो हम वायदा करते हैं आज शैलजा जी भी बैठी है कि ये भाई सारी की सारी चीजें जो जनता के हित के विरोध में है, इनको भाई सिरे से खारिज करेंगे, तुम फिक्र ना करिए। लेकिन एक आपसे अनुरोध, आपकी अपनी बेटी श्रुति है, मैं आपकी अपनी बहू, ब्याह के आई थी यहां, 16 साल की थी मैं, सुरेंद्र जी के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे पड़ी। अब जो है जिम्मेदारी आपकी हमारे को संभालने की, संभालोगे या नहीं संभालोगे? संभालोगे भाई, तुम हमारे को संभालोगे और हम तुम्हारी सेवा करेंगे, सेवा के लिए आए, कोई लोभ लालच नहीं है, किसी भी तरह का महत्वाकांक्षा नहीं, केवल ये है कि अपनी जनता जो है वो सुखी रहे, उनका काम बनता रहे, उनकी जो आशाएं हैं वो पूरी होती रहे और कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से डटकर समृद्ध में हम कर जाएं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, चुनाव सामने और चुनाव के मद्देनजर देखते हुए, दो बारी आपने परख लिया है इनको, परख लिया नहीं परख लिया भाई बताओ, परख लिया भाई सारे बताओ, देख लिया क्या असलियत है, देख ली नहीं देख ली बताओ भाई, बताओ भाई, ये इनकी कोई मिट्टी गोली तो नहीं चूसोगे? और क्योंकि मेरा नहीं, चुनाव के टाइम 6,000 रुपए कह रहे हैं किसान के खाते में साल में एक बार ही डालेंगे, वो भी कौन डालें, 2-4, 10-20 के डाल देंगे, और वो भी 4,000 रुपए पिछली बार जैसे डाले थे और बाद में फिर डाले नहीं, आए भाई सबके खाते में पैसे, बताओ भाई 15 लाख तो आए होंगे मेरी माताओं बहनों के, 15 लाख भी नहीं आए तो हम तो ठगे रह गए भाई, चले चले के चले रह गए। तो कहने का मतलब ये कि अब ये ढोंग रचेंगे नौटंकीबाज, जब कुछ और नहीं मिलता तो जात पात के ऊपर राजनीति करते हैं, जात पात नहीं होती तो धर्म के ऊपर राजनीति शुरू हो जाती है, बताओ भाई भगवान किसके मन में नहीं है, बता दो भाई यहां जो खड़ा है, हम सबका है भाई भगवान, भगवान राम हम सबका है भाई, हमारे कण में बसा हुआ है, सुबह शाम जो है राम का नाम ले कि भाई प्रभु वो काम करवाइयो, वो कर्म करवाइयो जिससे तो राजी रहे भाई, और आगे जो है हमारा भी क्या कहते हैं तेरे पास आने का टाइम जब आए तो सही तरीके से पहुंच जाए, यही होता है ना कि सारा सुखी रहे। लेकिन इन्होंने तो धर्म के ऊपर भी, राम के ऊपर भी राजनीति शुरू कर दी भाई, बताओ सही है क्या ये?
बताओ भाई तुम सारे हाथ, देखो बुक्कल में मत हाथ डालो, मेरे आदमी यूं ही ठिठर ठिठर हो रहे हैं, बिल्कुल ठिठर रहे हैं। बताओ मेरे को भाई, सही बात है क्या ये? तो ये समझ जाना, सब कुछ नाश कर दिया हमारा जो है, यहाँ का हमारा जो बच्चा है फौज में जाया करता था, फौज की बेटी हो, फौजी की, फौज क्या नाश कर दिया नहीं कर दिया? सारे हमारे बच्चे जो है शहीद होके आते थे तो बड़े बड़े बुत बनाते थे, गाने गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, और आज अग्निवीर बना के छोड़ दिए, और वो अग्निवीर भी जो है पीछे देने पड़ेंगे, और जो लेके आओगे भाई जब वो रिटायर होके आओगा, जब तो उसका ब्याह का टाइम होगा भाई, कौन छोरी देगा उसने? कोई गुंडे भाई, तो सारे छोरो तुम भी देख लो, थारे खाते पे बहु है मेरा नहीं, कितने लानी पड़ेगी? सच्ची बात है, नौकरी का 2 करोड़ का वायदा करा था, करा था नहीं करा था? और किसने करा था? मोदी ने, वहां से लाल किले से करा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, और आज 10 साल हो गए भाई, 20 करोड़ नौकरी। बताओ भाई यहाँ कितने खड़े हो, कितने के आ गई? नहीं आई तो न्यो न्यो करके बता दो, कौन नहीं आई बताओ भाई, तुम पाछे वाले में बता दो, थारे आ गई के वो जो अपने हाथ हाथ बन के तेरी आ गई के नौकरी? कौन नहीं आई तो भाई हाथ खड़े करते, कौन नहीं आई? तो फिर ऐसे झूठे लोगों का क्या फायदा, कहाँ जाए हमारे नौजवान बच्चे, किधर जाओगे? समाज का ताना बाना खराब हो रहा है, इनके ब्याह शादियां नहीं होंगी, जब अगर नौकरी नहीं हुई तो ब्याह शादी कौन देगा भाई? कोई कौन दे? तो तुम तो भाई राजी रहो, जब बूढ़े बुजुर्ग हो, तारा तो टाइम निकल लिया, इनका क्या होगा? तो भाई अगर तुमने अपना भविष्य देखना है, बहुत देख लिए जुमले, घर 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 होके देख लिए, कूद कूद के देख लिए, 10 साल के अंदर जो बच्चा है वो नौजवान बन जाता है, नौजवान जो है वो बुजुर्गों की तरफ चल पड़ता है, सही बात है ना? तो 10 साल जिंदगी के पूरे होते हैं भाई, हो गया बतेरा, श्रुति को तुमने परख के देखा है, मुझे तुम जानते हो, किसी से डरते नहीं हम, काम करना है जब जनता का तो कोई क्यों ना आ जाए, सबके सामने लड़ भिड़ जाएंगे भाई थारे खतर, ये तुमने बेर है। इसलिए अंत में एक ही बात कहूंगी, बोलना तो इतना ज्यादा था नहीं मुझे, क्योंकि शैलजा जी को बोलना है और हमारे बहुत प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी भाई थारे खिले खिले चेहरे देखकर ठंड में भी मेरा भी भाई जी सा आ गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ सच्चाई। और ये SHO भाई तू समझ जा, ये काम ना करवा लोगों के बीच में, इनको 2 मिनट रोक ले भाई, जब तक शैलजा जी बोल ले उसके बाद कर लेना, क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ एम्बुलेंस है, उसको जाने दो, एम्बुलेंस को जाने दो, एम्बुलेंस को जाने दो। तो